हेलो एवरीवन, चलिए आज बना लेते हैं हम सबका फेवरेट मोमोज घर के होममेड स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। स्टेप टू स्टेप चलिए, बहुत टेस्टी बनेगा। हमने ले लिया बंद गोभी, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। आपको और जो वेजिटेबल, गाजर, मूली, जो भी पसंद हो आप ले लीजिए। बंद गोभी को हम काट लेंगे, अभी इसे ऐसे ही काट लेंगे, फिर से चॉपर में डाल के काटेंगे। बिल्कुल फाइनली चॉप करके अच्छे से काट लेंगे, आराम से। वॉश आप अभी भी कर लो, बाद में भी कर लेंगे। अब इसे हम चॉपर में डालेंगे, चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फाइनली चॉप करेंगे। हम ये सब्जियों को कच्ची नहीं रखेंगे, हम सब सब्जियों को पका लेंगे ताकि इसमें और अच्छा फ्लेवर आए। शिमला मिर्च हम हाफ लेंगे क्योंकि हम शिमला मिर्च के थोड़ा सा फ्लेवर ही बहुत होता है। शिमला मिर्च भी हम चॉप कर लेंगे चॉपर में ही। सब कुछ अलग अलग चॉप करिएगा। अब हम इसे अनियन को भी चॉप कर लेंगे, चॉपर में ही चॉप करना, अच्छे से चॉप हो जाएगा फाइनली बिल्कुल। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ चॉप कर लेंगे। देखिए हो गया। बंद गोभी को वापस से धो लीजिए, ऐसे धोएंगे तो आपकी बंद गोभी गिरेगी नहीं कहीं पे भी और अच्छे से धुल भी जाएगा। अब हम गैस ऑन करेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, सरसों के तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जीरा डाल लेंगे, जीरा डालने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी को पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को अच्छे से पका लेंगे, इसका सारा पानी सूख जाएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे पहले खाली। देखिए इसका पानी सूख चुका है बिल्कुल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का वो चॉप किया हुआ, और साथ ही साथ शिमला मिर्च डालेंगे। इसको डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे खुशबू आने तक। खुशबू आने लगी, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम पका लेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा ही पकाएंगे ताकि प्याज की जो क्रिस्पीनेस है वो रहे। अब इसे हमने पका लिया है, देखिए पूरा सूख चुका है। अब इसमें मसाला डालेंगे, हमने डाला धनिया पाउडर एक चम्मच, डाले आधा चम्मच, थोड़ा सा नमक, मिर्ची ऑप्शनल क्योंकि हम इसमें और भी स्पाइस डालेंगे जिसमें मिर्ची हो जाएगी वैसे ही, और हमने दो दो हरी मिर्च भी डाली है। साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर एक चम्मच पूरा डालिएगा, और साथ में कस्तूरी मेथी फॉर फ्लेवर। और जो हम दो चीज़ डाल रहे हैं वो सीधा ऑप्शनल है, इसमें स्पाइस थोड़ा बढ़ जाता है, पेरी पेरी मसाला और थोड़ा सा मैगी मसाला, ये दोनों ऑप्शनल है। डाली डाले मत डाले, मत डाले, अगर स्पाइस खाते हैं तो डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। ये हम इसे ठंडा करने रख देंगे। अब हम इसमें मोमोज के लिए आटा गूंदेंगे, जिसमें दो कप मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक, ऑयल एंड बेकिंग पाउडर बिल्कुल टीस्पून के बराबर। दो कप मैदे में हमारा आधा ही कप पानी लग जाता है, ज़्यादा नरम डो नहीं वो करेंगे हम, सिर्फ बहुत ज़्यादा ठीक ठीक टाइट टाइट डालेंगे, ज़्यादा ना नरम हो ना टाइट हो। देखिए डो हमारा रेस्ट होके हट गया है, डो को रेस्ट ज़रूर करवाइएगा एक से आधा घंटा। अब इसकी लोइयाँ काट लेंगे, बिल्कुल बराबर काटिएगा। हमारे दो कप मैदे में 15 से 16 डो बन जाते हैं आराम से मोमोस। अब इनको रोल कर लेंगे हम। देखिए हो चुका है, हम इसमें हम ये हमारा ठंडा हो गई है। अब इसमें डालेंगे, मुझे मोमोज़ की शेप ज़्यादा खास अच्छे से आती नहीं है, जैसे आती वैसे बना ली, पर इसका मेन है इसके अंदर का तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में, अदरक लहसुन प्याज सबका टेस्ट आएगा। हम ऐसे ऐसे अपनी लोइयाँ रेडी कर लेंगे, एक लंबी बना लेंगे, एक गोल बना लेंगे, जैसे आपको पसंद है वैसे बना लेंगे। मैं बना रही थी वो मार्केट वाला, पर मुझसे तो बना ही नहीं है इसलिए मैंने वापस से गोल ही कर दिया इसको। अब हमें गैस में, अगर आपके पास मोमोज़ वाला वो नहीं है तो हम घरेलू ईस्ट करेंगे। आप स्टैंड रख दीजिए पानी के अंदर, उसके बाद एक दूध में ऊपर छन्नी जो होती है उसको डाल के उसमें ऑयल ग्रीस कर दीजिए और अपने मोमोज़ रख दीजिए। जिस साइड से अपने गोल वाला बहुत सारा आटा लगाया था उस उल्टे साइड में डालिएगा। 15 से 20 मिनट बाद आपके मोमोज़ आपके रेडी हो जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा खोल के पकाएंगे ताकि जो इसका ऊपर का जो पानी है वो सारा सूख जाए। हम
भी पानी आराम से सूख जाएगा, इसके सारे वेपर्स निकल जाएंगे। फिर ये मोमोज हमें खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।